ना डेरी की बात जो है पर आप जाकर गाड़ी आई है। देखो ईस्ट गाजी प्रोसेसर में जाम सब लगा दिए हैं सर, देख लो इधर यहाँ पूरा अंदर जाम भी लगा दिया है सर, बस गाड़ी आने वाली अभी आई नहीं है। तो अभी मैं यहाँ चुका हूँ गाजीपुर स्टेशन भाई, तो बता दूँ कि आज आने वाले है मेरी नानी की, मेरी मतलब मामी की मम्मी, ठीक है, तो उन्हीं को मैं लेने आया हूँ यहाँ पे। तो अभी मतलब ट्रेन नहीं आई है, तो मैं दिखाता हूँ स्टेशन, जैसे देख सकते हो गाजीपुर स्टेशन यही है। तो बस और क्या बताऊँ, तो अंदर जब चलूँगा तो अंदर का दिखा दूँगा, क्यों मतलब बाहर से बार बार आता हूँ, बस बाहर की चीज़ दिखाता हूँ ना तुम लोग को। और आज मैं अकेले भी मतलब आया हूँ, क्योंकि मतलब कि जानते ही हो कि जब नानी को ले जाना है तो अकेले आना ही पड़ेगा ना। एक गेट रहा और एक वहाँ पे है, और उधर मतलब क्या भी बन रहा है जो उधर है सब साई स्टेशन ही वाला है। तो इधर पता है गेट में मतलब लेगा कि नहीं लेगा, और कौन से यहाँ सफाई कर रहा है। अभी मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ यार, और हमको लगता है कि वही है जो S1 पता नहीं कहाँ गया, S1 यही है। अब उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं पता ना यार, वीवो वाली गाड़ी नहीं है जो मतलब जो जिस गाड़ी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये तो मतलब कि नई दिल्ली वाली गाड़ी थी, तो ये जा रही है। अब देखो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन है यार, मैं भागते भागते यार कि वही वाली गाड़ी लगती है कि आ गई है। इधर देखो कितना मस्त नज़ारा है, तो यहाँ पे मतलब कि वो जो बोर्ड है ना वहाँ पे मतलब दिखाता नहीं है कि मतलब कि कौन सा बोगी नंबर है, कुछ नहीं, बस R2 गाजीपुर सिटी ऐसे ऐसे मतलब दिखाता है ज़्यादा। न्यू दिल्ली एसी वाली है सारा, मैं जल्दीबाजी में मतलब किसी से बात कर रहा था ना, तो मैं सोचा ना कि ये वाली गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो, लेकिन वो गाड़ी अभी आई नहीं है, ये वाली अब गई तो अब आएगा मतलब 10-15 मिनट लगेगा या चाहे आधा घंटा वही लग सकता है तब वो आएगी गाड़ी। यहीं पर लगता है 12-1 बज जाएगा, अभी जाना भी है फिर 10 रिटर्न भी आना है। देख मैं बताऊँ आज लेट ही लेट, पूरा दिन आज सारा घूमते रह जाओ उस गाड़ी से ही ना, डेरी की बात जो है पर अब जाकर गाड़ी आई है तो अब लेकर चलेंगे और क्या, तो आ ही गई बस जैसे ही मतलब ये गाड़ी गई ना वैसे ही वो पीछे से आ गई। देखो आ रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है यार, ठंडा बहुत लग रहा है, और आज तो मतलब कि कभी इतना ठंडी नहीं पड़ता था लेकिन आज ही इतना ठंडी पड़ गया। मैं भी सोच रहा था, मैं जानता था कि कल मतलब ठंडी जरूर पड़ेगी, वैसे मुझे पता था कि मतलब पहले ही मतलब नहीं पड़ती है, जब कहीं जाना होता है ना तभी ठंडी पड़ती है, तो मुझे मतलब पता है कि यहीं पे आएगा S5, तो देखते हैं यहीं पे रुकती है S5 आकर, क्योंकि मतलब कि जो पहले बोर्ड वोट पर दिखाता था वो अच्छी जब दिखाई नहीं रहा है। तो ये लोकोमोटिव गाड़ी इंजन है भाई, S5 अरे इतना वन निकल ढेर आगे गए, कल आप उधर जाए पड़े हम कहते। तो ये X10 XL A1 में मतलब है यह चीज़, ये कोरोना वैक्सीन का तैयारी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अब भागना पड़ेगा, क्यों मतलब कि आगे ही घट रखती और इसका उल्टा बोगी था यार। S6 अभी तो मतलब लगता है कि सामने वाला गेट पे मुझे दौड़ना पड़ेगा, पकड़ कर ही भागना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मतलब
असर मेरा यही होता है, मतलब मैं बड़ा पॉइंट बनता हूँ ना, सब लोग डर रहे हैं लेकर अपना अपना S1 S2। घर में तो नानी को ले लिया हूँ, तो चलेंगे देखो आरी वाली साड़ी पहनी है जो आई है। तो डैड गाजीपुर से ही हम सीधे मतलब चले आए, तो ये अनार वाला रोड है, तो मैं मतलब ना मुझे थोड़ा सा पेशाब लगा था तो इसको इसमें रुका था, तो ये पेशाब का कर अभी चलेंगे फिर। तो यहाँ से पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे मालूम ही नहीं उतना, जिसका नानी बस ले जा रही है अपने घर। अब तुम लोग कहोगे मेरी नानी, अरे मेरी नानी नहीं है यार, मैं तो अपने नानी के घर दिखाई हूँ, ये दूसरे की नानी है, मतलब मेरी मम्मी, मेरी मामी की मम्मी। मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है यार, बोला ही नहीं जा रहा है।